ये देखिए, ये मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला। चारों तरफ गाड़ियाँ लेके निकलो, अगर वो घर से भागे तो दूर नहीं पहुँचे होंगे। मैं सिम्मी के बिना नहीं रह सकता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मम्मी प्लीज मुझे जाने दो। आंटी जी, ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, अगर सिमरन दीदी और रमन वीर जी की शादी नहीं हुई तो। सिमरन, उसको तब से आवाजें दे रही हूँ। पर मम्मी, सिमरन दीदी ना बहुत थक गई थी तो वो सो रही है। सिमरन, पापा जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना सिमरन? मेरे पास और कोई तरीका था नहीं, पापा जी ने तुझ पर गन तानी हुई थी और मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गया था सिमी। और सास की तरफ से बहू को कुछ देना होता है ना तो समझ लो ये वही है। बहुत अच्छी लग रही हो। ये घड़ी मेरे पापा जी की है, उनके दामाद के लिए। तुम्हारे पापा जी का सपना था ना कि बाजवा और पवनिया एक हो जाएं। सुखी बच्ची, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मत रो। थैंक यू मन। रमन वीर जी, मतलब कि जीजा जी, पंडित जी अभी आने वाले होंगे, फिर आपके और सिमरन दीदी की शादी हो जाएगी। आप इस मंदिर में कोई नहीं आएगा, जब से गांव में नया मंदिर बना है तब से शिवरात्रि के दिन सब लोग उसी मंदिर के मेले में जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं आएगा और कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। पर ये पंडित जी आए क्यों नहीं अब तक? अरे हाँ, रमन वीर जी, आप दोनों मंदिर पहुँचो, मैं और सखी वीर जी जाके पंडित जी को लेकर आते हैं, ठीक है? चलो मनु, संभाल के जाना। हाँ अमृत, तेरे कहने पर हम लौट आए, ये सोचकर कि तेरा बेटा मर गया, झूठ बोला तूने, और उसके बावजूद भी यहाँ पर निहत्ते खड़ा होने में तुझे डर नहीं लगा? इसी उम्मीद पे कि एक माँ दूसरी माँ को समझेगी, वरना तुम चाहती तो अभी मुझ पे गोलियां दाग देती। और बंद कर रहे नौटंकी। अर्जीत, अपनी औरत को वापस बुला ले अपने पास, तो मेरे आदमी भूल जाएंगे सब कुछ। ओए, वो गिली तो उठा, फिर देख
कितनी बंदूकें चलती है। मेरी बेटी कहाँ है अमृत? जहाँ मेरा बेटा है, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो दोनों कहाँ पे हैं। अंबा, रही बात झूठ की, याद रखना कि सब बच्चे मिले हुए हैं। रमन ने मन्नू के दिए हुए नकली जहर से ही सारा नाटक रचा था। ऊपर जाई, इनकी बातों का भरोसा मत कर। ओए हरजीत, ओए सच सच बताओ, ओए सिम्मी कहाँ है? नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा तुम में से। ओए ओए देख क्या रहे हो? लगाओ निशाना सालों पर। तलो अपनी दोनों जान के ऊपर। रुक जाओ, सब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सब की सब। क्या करवा रही हो अमृत? सच सच बोल दो। वो दो चार को मार देगा, ये दो चार को मार देगा। खून की नदियां बह जानी है, सच बता दे। यकीन नहीं हो रहा अंबा कि तुम इतना बदल गई हो। आज तुम भी इस लड़ाई को बढ़ावा दे रही हो। वक्त वक्त की बात है अमृत, ये रूप भी तो तुम बाजवाओं का ही दिया हुआ है। लेकिन इस रूप के पीछे एक माँ भी तो है ना। बाजवाओं और पवनियों की दुश्मनी तो चलती आई है, बहुत सी जाने गई हैं। लेकिन दुश्मनी एक तरफ है, बच्चों की जान एक तरफ। क्या तुम्हारे अंदर छुपी हुई माँ भी यही चाहती है कि हमारे बच्चे इस लड़ाई में कुर्बान हो जाएं? याद रखना अम्बा, अगर आज बात यहाँ नहीं रुकी ना, तो बच्चे दोनों तरफ के मर जाने। दुश्मनी हमारी है, पर कौन कहता है कि दुश्मनी में खून बहाना जरूरी है? ये भी तो हो सकता है ना कि हम अपने अपने बच्चों को लेकर अपने घर चले जाए। मैं जानती हूँ कि रमन और सिमरन जीते जी मर जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेंगे जिंदा। अम्बा पवनिया का वादा है। अगर सिम्मी को ढूंढने में रमन मिल गए, तुम लोगों के घर पर सही सलामत फेंक कर जाएंगे उसे। बाल भी बाका नहीं। लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। बोल हरजीत, मंजूर है? जगन सुन अमृत, रमन और सिम्मी की शादी तो नहीं होने वाली इस जन्म में, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम सिमरन को कुछ नहीं करेंगे। ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझ सकती अम्बा। तुम दोनों ने तो फैसला ले लिया, लेकिन अभी मेरा फैसला होना बाकी है। हाँ बोलो। पंडित जी घर पे है क्या? पंडित जी तो घाट पर गए हैं, अभी आते ही होंगे। ठीक है, हम ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सुखी भी जी, आप एक काम करो, आप यहीं पंडित जी के आने का इंतजार करो, और जैसे ही वो आ जाए उनको मंदिर का रास्ता बता के घर चले आना। अगर आप घर चले आओगे तो कम से कम किसी को शक भी नहीं होगा, और रावी चाची गुंजन जी को
किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो आप रहोगे तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे राज, अच्छा ये मिल गया। अभी भी सिमरन तेरी और अमन की शादी में शामिल हो सकता है। अरे ये चिकन चाचा यहाँ कैसे आ गए? रुको ए, मुन्नू कहाँ है? पता नहीं, मैं खुद भी मुन्नू को ढूंढ रहा हूँ। सीधा सीधा बता दे, तेरा दोस्त कहाँ है? मैं तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा, बहुत बड़ा जंगल है, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। बताओ ए। अब मैं क्या करूं? यहाँ पे मेरा दोस्त फंसा हुआ है, वापस समृद्धि और अमन वीर जी किसके पास जाऊं मैं? अगर मैं समृद्धि के पास नहीं पहुंचा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मन्नू कहाँ है। अच्छा, तुझे सच में नहीं पता? क्या तेरा दोस्त तुझे छोड़ के भाग गया सुनसान जंगल में? ओहो, उसके साथ भाग नहीं पाया होगा तू, अब क्या करेगा? अब तो तेरा यार तुझे बचाने भी नहीं आ सकता। ओए जगन, शुक्र है अजीत अंकल जी आके, अब चिकन चाचा रात भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मुझे सुमंदि और रमन वीर जी के पास जाना चाहिए। ले, तेरा बाप आ गया। चलो उनको भी ढूंढना है। सुन, वहां पंडितों की बस्ती है, जाकर पूछ मन्नू वहां पर आया था कि नहीं। शादी करवाना चाहता है ना, पंडित की जरूरत तो पड़ेगी, जा पूछ कर। चलो मन्नू सिमरन दीदी और अमन वीर जी की शादी करवा रहा है। मन्नू नहीं जानता कि इसमें कितना खतरा है। अगर मेरे वीरों को कुछ भी हुआ तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। राज, तुझे तो मन्नू ने कुछ बताया ही होगा, सच बोल रहा है? कुछ नहीं बताया। एकदम नकारा है तू, कुछ काम का नहीं है तू। मनु, तू अकेले क्यों है? पंडित कहाँ है? पंडित जी अभी आ रहे हैं, वो कहीं पे गए हैं। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो आते ही होंगे। मैं सुखी वीर जी को वहीं रोक आया हूँ ताकि देर ना हो। तब तक आप तैयार हो जाओ, तैयारियाँ करो। तैयारियाँ? कैसी तैयारियाँ मन्नू? हमारे पास तो यही कपड़े हैं बस। अरे रुको,
मुझे पता है कि आप कपड़े नहीं ला पाए, इसलिए मैंने पहले से ही मंदिर में कपड़े छुपा के रखे थे। ये लीजिए। अपनी बहन को ऐसे थोड़ी ना विदा करूंगा, उसकी शादी पूरी तैयारी के साथ होगी। वहां जाना है। बाबा जी आपने कोई परेशानी नहीं आई थी रास्ते में, और आगे भी मत करना। सुमंदरी और रमनवीर जी की शादी में कोई रुकावट ना आए। क्या हुआ दीदी? तू बहुत अच्छी है। तुझे पता है तेरी जगह अगर मेरा कोई भाई भी होता ना, तो वो भी इतना नहीं कर पाता जितना तूने मेरे लिए किया है। दीदी आप मेरी बहन हो, आपकी खुशी के आगे मुझको कुछ नहीं दिखता। काश आज यहाँ पे होता, रमनवीर जी को भी कितना अच्छा लगता ना। वो आना चाहता था, शामिल होना चाहता था इस खुशी में, लेकिन हो नहीं पाया। उसको कितना बुरा लगा होगा वो सब मैं ही जानता हूँ, कि वो अपनी भाई की शादी में नहीं आ पाया, और उसका सबसे करीबी दोस्त मन्नू ये शादी करवा रहा है। अच्छा एक बात बता मन्नू, वो सिर्फ तेरा दोस्त है या बहुत अच्छा अच्छा वाला दोस्त है? बहुत बहुत अच्छा वाला दोस्त। दीदी वो मेरा यार है, मेरे परिवार के आगे अगर मुझको कोई पसंद है तो वो सिर्फ राज है। क्या हुआ दीदी, हंस क्यों रहे हो? ये बताने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। तू बड़ी हो जाएगी ना, तब तुझे सब समझ में आ जाएगा। मतलब? नहीं बताऊं। अरे इतनी जल्दी रूठ गई? जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं चली जाऊंगी, तब क्या? नहीं दीदी मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, आपका हमेशा अपने साथ ही रखूंगी। लेकिन मन्नू शादी के बाद लड़की को जाना ही पड़ता है ना। काश ऐसा होता कि हम हमेशा साथ रहते, मैं आप राज रमनवीर जी कुंजन दीदी सब साथ में रहते, कितना अच्छा लगता। एक तरकीब है साथ रहने की। क्या? जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तू राज से शादी कर लेना, फिर हम सब साथ रहेंगे। मैं मम्मी को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मुझको हमेशा उनके साथ रहना। प्रीत तू बहुत अच्छी है, तुझे पता है जो लोग अच्छे होते हैं ना उनके साथ कभी गलत नहीं होता, इसलिए हमेशा अपनी अच्छाई छोड़ना मत। पंडित जी तेरी अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पंडित जी आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात ये शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब ये शादी पूरी हो जाएगी ना तो दोनों परिवार को एक साथ मिलना ही पड़ेगा, है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं टहल रहा था, और वो पापा जी ने कहा है कि मोटा हो गया, कसरत किया कर। तो ओए और लोगे पट्टे, सच सच बता बात क्या है, इसे जरूर पता है। बताता है कि
पापा जी, पापा जी, गांव के सारे पंडित महाशिवरात्रि की पूजा में गए हैं, पर सिवा एक के। ओ, फिर तो ये वही पंडित होना है जो शादी कराने वाला है। हमने एक बंदे से पूछा था, वो बोल रहा था वो पंडित पुराने शिव जी के मंदिर की तरफ गया है। आ जा पुत्र। ओम सर्व मंगल मंगले ईश्वर सर्वासाधि के सड़े तुम के गौरी नारायणी ही नमस्तुते। अरे मन्नू बेटा, कन्यादान कौन करेगा? मैं करूंगा कन्यादान। Thank you.